गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम इन योर अकाउंट्स फर्स्ट क्लास। फ्रेंड्स, आप में से कुछ कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे, कुछ नॉन कॉमर्स के होंगे, बट हमने सबके लिए इक्वल सिलेबस और इक्वल पैटर्न लेकर चलना है। जो ऑलरेडी अकाउंट्स बैकग्राउंड के हैं वो थोड़ा पेशेंस रखेंगे, और जो नॉन कॉमर्स के हैं वो बहुत अपना इसको स्लो पेस पे लेकर चलेंगे। और अकाउंट्स वालों ने भागा दौड़ी नहीं करनी ज़्यादा, क्योंकि आपने अपने बैचमेट्स के साथ प्रॉपर कोऑपरेट करके चलना है। सबसे पहले अकाउंटिंग में हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सेगमेंट्स जो है वो साथ साथ चला के चलेंगे। तो मैं टैली अभी आपका नहीं स्टार्ट करवा रही हूँ, बिकॉज उसके लिए थोड़ा सा अकाउंट्स का बैकग्राउंड की नीड होती है। इनके टर्म्स रूल्स पहले हम थोड़ा सा थ्रेटिकल पार्ट कवर करके फिर टैली के ऊपर आएंगे, ताकि जो नॉन अकाउंटिंग वाले हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। अकाउंटिंग टर्म्स कितनी तरह की होती हैं? अब हमारे पास ये 23 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, इन्हें वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे। ये ऐसी टर्म्स हैं जो रेगुलरिटी में, जो कॉन्टीन्यूटी में हमारे पास यूज होती हैं। सबसे पहले आते हैं प्रोप्राइटर के ऊपर। अब ये प्रोप्राइटर कौन होते हैं? इन्हें कंपनी के ओनर या एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। तो दोनों से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये कौन होते हैं? अ पर्सन हु मेक्स ऑल द इन्वेस्टमेंट्स एंड बियर्स ऑल द रिस्क कनेक्टेड विद द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। एक पर्सन जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, रिस्क लेके बहुत, और इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इसको क्या कहते हैं? प्रोप्राइटर, जिसने स्टार्टिंग में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट इन्वेस्ट किया, और ये हमेशा रिस्क बेस्ड होता है, क्योंकि आपको नहीं पता लगता कि इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट होना है या लॉस होना है, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन। इसलिए नेक्स्ट आते हैं कैपिटल पे। कैपिटल क्या है? यहाँ पे हमने एक टर्म यूज किया था, इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो क्या इन्वेस्ट कर रहा है? पैसा लगा रहा है। जो वो बिजनेस में पैसा लगाता है उस अमाउंट को क्या कहते हैं? कैपिटल। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वॉल्यूम कम आ रहा है, ओके। अजय, इसका मैं पीडीएफ आपको सेंड करूंगी, और इसका एक यूट्यूब लिंक भी आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी अगर वॉल्यूम कम है। तो कैपिटल में इट मींस अमाउंट, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग मनी वैल्यू। जो हमारी या तो बिजनेस में हम कोई एसेट्स जो स्टार्टिंग में ले रहे हैं, यानी कि जिनसे आप बाद में उनको कन्वर्ट कर सकें मोनिटरी टर्म्स में, हैविंग मनी वैल्यू, या फिर आप पैसा ही लगा रहे हैं। विच द प्रोप्राइटर हैज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस और कैन क्लेम फ्रॉम बिजनेस। जो उसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया उसे हम क्या कह रहे हैं? कैपिटल। फॉर द बिजनेस इट इज लाइबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर। बिजनेस के लिए क्या है? एक लाइबिलिटी है ओनर के लिए, बिकॉज ऑनर इज ट्रीटेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस। क्योंकि जो ऑनर है उसको हम बिजनेस से डिफरेंट कंसिडर या ट्रीट करके चलते हैं। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ऑनर्स इक्विटी और नेटवर्थ। कैपिटल को हम क्या मान के चलते हैं? ऑनर की इक्विटी या नेटवर्थ, ये दोनों नाम से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनके ऑल्टरनेट नेम्स हैं, ये भी हम अपने पास
ध्यान रखेंगे, ऑनर्स इक्विटी और नेटवर्थ। कैपिटल को हम ये बोलते हैं, और ऑनर इक्विटी में क्या हुआ, दैट द ऑनर्स क्लेम अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। जब हम ऑनर्स इक्विटी की बात करते हैं, तो ऑनर्स इक्विटी निकलती कैसे है, यानी कि कैपिटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करके हमारी कैपिटल या इक्विटी निकल आती है। उसके बाद आते हैं ड्राइंग्स। इट इज एन अमाउंट ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ गुड्स विच द प्रोप्राइटर विड्रॉज फॉर हिज डोमेस्टिक और पर्सनल यूज। ड्रॉइंग्स रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द ओनर। ये क्या है, अमाउंट ऑफ मनी या वैल्यू ऑफ गुड्स जो ओनर अपने डोमेस्टिक या पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ करता है। तो जब बिजनेस से पैसा या गुड्स विड्रॉ होंगी, कम होंगी, तो उससे कैपिटल हमारी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल है, ओनर विड्रॉ कैश, उसने 6,000 का कैश विड्रॉ करवाया और गुड्स 200 की विड्रॉ करवाई, तो बिजनेस का जो पर्सनल यूज है वो कितना हुआ, बिजनेस से पर्सनल यूज यानी कि टोटल ड्रॉइंग्स हो गई 6,200। वो बिजनेस में कोई भी चीज़, चाहे वो पैसा है, एसेट्स हैं, गुड्स हैं, अगर वो अपने डोमेस्टिक यूज के लिए निकलवाएगा तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ड्रॉइंग्स। अब अकाउंटिंग टर्म्स में आप देख रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, अब इसमें आप ये समझ पा रहे होंगे कि चीजें ऑर्डनरी हैं, ट्रांजेक्शन्स, लेन देन, तो ये बिल्कुल नॉर्मल ऑर्डनरी है, लेकिन इनके नाम चेंज किए हुए हैं, इनके यहाँ से नाम अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिए हुए हैं, इसलिए बिजनेस में क्या है, इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट इज गुड्स। गुड्स आर थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड गुड्स। जब हम आगे रीसेल के लिए यूज करते हैं गुड्स को, अब इसमें दो है, अभी इसमें क्या लिखा है, फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स यानी कि ये सेमी फिनिश गुड्स। अब आगे आता है, जैसे कि जिनको हम सेल के लिए यूज कर रहे हैं, एंड इट रिलेट्स द गुड्स इन विच बिजनेस इज डीलिंग। जैसे कि एक फर्नीचर वाला है, फर्नीचर डीलर है, उसके लिए वुड, नेल्स, ये सब क्या होंगे, गुड्स होंगे। जो प्रॉपर्टी डीलर है उसके लिए लैंड, शॉप, ये सारे गुड्स होंगे। और ऐसे ही जो स्टेशनरी है, जी आप कह रहे आवाज नहीं आ रही, इसका एक यूट्यूब लिंक आपको मैं भेजूंगी ग्रुप में, अभी आप कनेक्ट रहें क्लास से, क्लास लीव मत करें कोई भी। तो इसमें जैसे कि जिस भी चीज़ में आप डील कर रहे हैं वो आपके लिए क्या है, गुड्स है। इसके बाद आते हैं अकाउंटिंग पीरियड पे। ये क्या होता है, दिस लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल पीरियड्स विच इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड, विच कैन बी फाइनेंशियल ईयर, अ कैलेंडर ईयर और एनी पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। अकाउंटिंग पीरियड यानी कि उस अवधि, वो टाइम पीरियड के दौरान जब हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, उसे अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। अब इसमें क्या है, ये 12 महीने का होता है, कैलेंडर ईयर हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है, जिसके दौरान हम अपने अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टॉक या इन्वेंट्री। स्टॉक में क्या आता है, लेइंग अनसोल्ड गुड्स, लेइंग अनसोल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, जो
जो हमारे अभी गुड्स सेल नहीं हुए हैं पर्टिकुलर डे पे, यानी कि स्टॉक हमारे पास गोडाउन में पड़ा हुआ है, उसे इन्वेंट्री या स्टॉक कहते हैं, जिनको अभी हमने सेल करना है। दो तरह से है ये, एक ओपनिंग यानी कि मीन्स अनसोल्ड इन द बिगिनिंग, क्लोजिंग यानी कि अनसोल्ड इन द एंड। ओपनिंग स्टॉक कौन सा है? जो अभी स्टॉक हमने सेल नहीं किया अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में। और क्लोजिंग कौन सा है? जो हमने साल के एंड में हमारे पास जो बच गया। अब स्टॉक कितनी तरह के होते हैं हमारे पास? तीन तरह का। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि जो हमने कच्चा माल खरीदा, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि सेमी फिनिश्ड गुड्स, अभी वो प्रोसेस जो है उसको आपने प्रोसेस में लिया, यानी कि उसके ऊपर काम करना शुरू किया, अभी वो पूरा बन के तैयार नहीं हुआ। तीसरा, जब ये वर्क इन प्रोग्रेस हमारा बिल्कुल स्टॉक बन के तैयार हो जाता है, तो स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब इसमें क्या है, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। जो स्टॉक की वैल्यू कौन सी लेनी है, स्टॉक जो इसकी कॉस्ट है और जो मार्केट प्राइस है, दोनों में से जो कम है। उसके बाद आते हैं डेटर्स। डेटर्स कौन है? द पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म, जिन्होंने फर्म को पैसा देना है वो डेटर्स होते हैं। ऑन द अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स इज कॉल्ड डेटर, जिनको हम उधार में जो है वो सेल करते हैं उन्हें डेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ बिजनेस सेल्स गुड्स टू सोहन ऑन क्रेडिट, देन सोहन विल बी डेटर। अगर बिजनेस कुछ गुड्स सेल कर रहा है सोहन को, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डेटर। क्रेडिट में सेल करना, कैश में। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? पर्सन टू होम द फर्म ओज मनी, जिसको फर्म ने पैसा देना है उसको क्या कहते हैं? क्रेडिटर। ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड क्रेडिटर। फॉर एग्जाम्पल, इफ बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, देन मोहन इज क्रेडिटर। अगर बिजनेस मोहन से कुछ गुड्स परचेज कर रहा है, तो उसे क्रेडिटर्स बोलेंगे। अब ऐसे ही आगे आते हैं परचेज। परचेज क्या है? द टर्म परचेज इज यूज फॉर परचेज ऑफ गुड्स ओनली, जैसे कि आप कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हैं। अब जैसे फर्नीचर परचेज है, प्रॉपर्टी डीलर इज नॉट ट्रेडेड एज परचेज। अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर परचेज कर रहा है फर्नीचर, तो उसके लिए परचेज नहीं है, वो एसेट्स है। जो जिस प्रोडक्ट में डील कर रहा है, वो गुड्स अगर परचेज करेगा, यानी कि क्या लिखा है, गुड्स, ये किससे कनेक्ट होता है? इससे। ये परचेज का जो कंसेप्ट है, ये आपका गुड्स के साथ लिंक होता है, यानी कि जिस चीज में सेल परचेज है, जब आप उसे खरीदेंगे तो उसको हम परचेजेस कहते हैं। जब ये हमारी 23 अकाउंटिंग टर्म्स कल फ्राइडे को कंप्लीट हो जाएंगे, तो सैटरडे आपको मैं ये पीडीएफ दूंगी, इसके आप नोट्स बनाएंगे अच्छे से और सबमिट करवाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, वो सैटरडे में आपको देंगे। तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, और यूट्यूब का लिंक मैं अकाउंटिंग टर्म्स का आपको शेयर कर देती हूँ।